आदाब, जय हिंद, जय भारत। मैं मोहम्मद तौफीक, BTS न्यूज़ एंड टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से धरातल में काम किए हैं वो काम बोलता है। जब गांव में गरीबों के बीच में जाते हैं तो काम बोलता है। किससे टक्कर है इस समय, कौन पक्ष में है आपको लगा? कोई टक्कर में नहीं है, लगातार इस समय आपके क्षेत्र में आपका विरोध हो रहा है, विधायक का हो रहा है, भाजपा का कोई विरोध नहीं हो रहा, कोई हो रहा है। नहीं, आप गई वहाँ से लोगों ने खदेड़ा? ना ना ना, वायरल वीडियो जो हो रहा है, ना ना, गलत है। आप कभी देखे होंगे विरोधी को कुछ नहीं मिलता तो चार लोगों को ठार करके विरोध करना स्वाभाविक, कोई विरोध नहीं है। क्षेत्र मेरा है और बहुत अच्छा क्षेत्र है, हर गाँव में छोटे से लेकर के बड़े बुजुर्ग माताएं, पिता तुल बुजुर्ग, भाई बहन बच्चे, इतना ज़्यादा भीड़ हो जाती है, जबकि भीड़ का बहुत ज़्यादा वो है ऐसी महामारी कोरोना में कि निकलना मुश्किल हो कुछ ऐसा जा रहा है। बार आप जीतने जा रही हैं, अब आपकी विकास में क्या प्राथमिकता रहेगी? विकास में पहले भी विकास करी हूँ, आगे भी विकास, आगे प्राथमिकता जो विकास होता है वो आगे पूरी प्राथमिकता है। लेकिन जो वायरल वीडियो हो रहा है तो क्या कहीं साजिश मान नहीं? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, उतने में ही बेचारे संतुष्ट कर ले सब करके संतुष्ट हो गए। नहीं नहीं, कुछ नहीं, कोई विरोध नहीं। कुछ ऐसे विकास जो अभी आपके कार्य में रह गए हो उनको बता दीजिए। देखिए, जितने भी विकास है वो सब मेरी प्राथमिकता में है और सारे के इस्टीमेट बन के चले गए, चाहे रोड क्षेत्र में हो, चाहे पुल में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे बिजली के क्षेत्र में हो, जहाँ जहाँ पावर हाउस बनाना था सब पड़े हैं शासन। एक रोड जो किशनपुर को जाती है वो कई दिन से पड़ी हुई है, वो पड़ी है शासन में पड़ी है। वो रोड देखिए, उसमें मोरम निकलती है और उस रोड का जो इस्टीमेट बन के गया है, मोटी रोड जैसे कि ये हाईवे में बनती है वैसे बनेगी, तभी वैसे गया। विजयपुर से गाजीपुर मार्ग अभी तक खंजर पड़ा हुआ है, इसलिए क्या हुआ? दोनों तरफ आप देख रहे हो कि काम शुरू है, नाली भी बन रही है, पैसा आ गया, चार संहिता है पास है, वो भी रोड पास है। गलत, आप पूछ लीजिए किसी से, अब आप लोग मैडम मैडम एक आखिरी सवाल है, केशव प्रसाद मौर्य के टाइम पर एक पुल का प्रस्तावित हुआ था, वो पुल काम कब तक लगेगा? कहाँ वाला? ये जो इधर से जाता है वहाँ के लिए, कोर्ट के लिए वो है, वो पहले रप्टर टाइप जैसे बना था ना वैसे गया था, कोठी गला के बनेगा, पास है दरिया मऊ कोर्ट। ये मान के चला जाए आपको जानवरों की समस्या मुख्यतः देखी जा रही है वहाँ, तो किस तरह से? अरे बच्चा, सब गौशाला बन रहे हैं, सरकार पूरी व्यवस्था करी है, सब जगह हर न्याय पंचायत में गौशाला बन रहा है। गौशालाओं में भी गायों की अच्छी स्थिति नहीं है, अच्छी व्यवस्था है, सब अच्छी व्यवस्था है। धन्यवाद।